नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेबेक्सुई स्टार्ट टैबलेट्स के बारे में। दोस्तों, ये टैबलेट्स क्या होती हैं, इनके यूजर्स क्या होते हैं, इनकी डोज क्या होती है, इनके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं और कौन कौन सी बात आपको ध्यान देनी होती है जब आप ये टैबलेट्स लेने वाले होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें फेबेक्सुई स्टार्ट टैबलेट्स के बारे में, ये होती क्या है, तो ये एक प्रकार की नॉन प्यूरिन जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होती हैं। एक्चुअली अगर आपको बताया जाए यहाँ पे, तो जैंथिन ऑक्सीडेज करता क्या है, तो जैंथिन ऑक्सीडेज जैंथिन और हाइपोजैंथिन को यूरिक एसिड में चेंज करता है। और क्योंकि फेबेक्सुई स्टार्ट जैंथिन ऑक्सीडेज का इनहिबिटर है, तो ये इसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर जैंथिन्स एंड हाइपोजैंथिन्स हैं वो यूरिक एसिड में चेंज नहीं हो पाते हैं। यानी कि इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर में जो यूरिक एसिड का सीरम लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो कहने का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि फेबेक्सुई स्टार्ट टैबलेट्स जो होती हैं वो यूरिक एसिड को कम करने के लिए दी जाती हैं। अगर इसके ब्रांड्स की बात करें तो इसकी बहुत सारी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। जो भी आपको सस्ती मिलती है, अगर आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है तो आप इसको ले सकते हैं। जैसे ये फेबेक्सा के नाम से आती है, फेबुडेन के नाम से आती है, फिक्सिनिक के नाम से आती है, एंड इसके बहुत सारे अलग अलग नाम है। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं जो भी आपको सस्ती मिलती है। दोस्तों, अगर हम इसके यूजर्स की बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी जाना है कि इसका जो यूज होता है वो यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए किया जाता है। इस वजह से ये जो मेडिसिन है गाउट में यूज की जाती है या हाइपर यूरिसीमिया में यूज की जाती है। जब आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब हम लोग फेबेक्सुई स्टार्ट टैबलेट्स का यूज करते हैं। दोस्तों, फेबेक्सुई स्टार्ट टैबलेट्स की अगर डोजेस की बात करें तो ये मेडिसिन 40 से 80 mg की टैबलेट्स दी जाती हैं डेली। मतलब आप 40 से लगा करके 80 mg की टैबलेट्स आपको दी जाती हैं दिन भर में। और ऐसा मतलब अगर आपको कोई रीनल या हिपैटिक इम्प्योरमेंट है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस मेडिसिन को मतलब इसका जो डोज है उसको कम या ज़्यादा करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब आपको एक नॉर्मल सी डोज दी जाती है 40 से 80 mg की, आपको कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की, तो आपको बता दें कि ये फेबेक्सुई स्टार्ट टैबलेट्स तभी यूज की जाती है जब आपको एक्यूट गाउट का अटैक हो चुका होता है। दोस्तों, अगर इसके साइड इफेक्ट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे इससे आपको नोजिया हो सकती है, शरीर पर रैसेस हो सकते हैं, उकाई आ सकती है, शरीर पर रैसेस पड़ सकते हैं, ज्वाइंट पेन हो सकता है, डायरिया की शिकायत देखने को मिलती है, हेडेक हो सकता है, और बॉडी के अंदर जो हिपेटिक एंजाइम है उनका लेवल बढ़ सकता है। तो ये सारे कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो कि फेबेक्सुई स्टार्ट टैबलेट्स के होते हैं। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि फेबेक्सुई स्टार्ट टैबलेट्स एक्चुअली गाउट में यूज किया जाता है, यूरिक एसिड को ख़त्म करने के लिए यूज किया जाता है। और साथ ही साथ में आपको ये भी बताया गया कि ये जो मेडिसिन है इसको हम लोग 40 से 80 mg की मेडिसिन यूज करते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि इस टैबलेट्स कम यूज की जाती हैं, पर ये टैबलेट्स गाउट के लिए होती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अभी हमारा स्टूडियो सेटअप हो रहा है जिसकी वजह से वीडियो उतने क्वालिटी वाले नहीं आ पा रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। क्योंकि बस वीडियोज़ जो है बनाने के लिए सही व्यवस्था इस टाइम पर नहीं है, तो कुछ दिन के अंदर हो जाएगी तो आपको क्वालिटी वाले वीडियोज़ मिल पाएंगे और अच्छे वीडियोज़ आपको मिल पाएंगे। और तब हम लोग कोशिश करेंगे कि PPT के अलावा आपको अच्छे वीडियो देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।